सीवान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शमसुद्दीन उर्फ लड़न मियां जो कि कपड़ा व्यवसायी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। उस मामले में सीवान के एसपी नवीन चंद्र झा ने एक बड़ा खुलासा किया है। एसपी नवीन चंद्र झा ने खुलासा करते हुए कहा है कि शमसुद्दीन उर्फ लड़न हत्या के मामले में 4 लोगों पर उनके भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चौथे आरोपी जो भाजपा का नेता बताया जा रहा है सैयद माज अर्फी, अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सीवान के एसपी नवीन चंद्र झा ने सीवान के टाउन थाने में प्रेस वार्ता किया और सीवान के एसपी ने बताया कि लड़न के हत्या के मामले में कृष्ण मुरारी जो कि विशाल मेगा मार्ट के पीछे का रहने वाला है, दूसरा बबलू चौधरी जो कि दक्षिण टोला मोहल्ले का रहने वाला है, तीसरा नीतीश राज श्रीवास्तव उर्फ मुंशी श्रीवास्तव, ये भी डीएवी इलाके के तरफ का रहने वाला है, इन तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। जबकि चौथा आरोपी सैयद माज अर्फी जो कि भाजपा नेता सीवान का ही है और वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे पुलिस पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जमीन कारोबार को ही लेकर के शमसुद्दीन उर्फ लड़न की हत्या की गई है और भाजपा नेता सैयद माज अर्फी भी जमीन का कारोबार किया करता है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि कपड़ा व्यवसायी शमसुद्दीन उर्फ लड़न मामले में 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और चौथा आरोपी भाजपा नेता सैयद माजरफी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की जगह जगह छापेमारी चल रही है। आइए सीधा ले चलते हैं सीवान के नगर थाने में, जहाँ पर एसपी नवीन चंद्र झा मौजूद हैं और इस मामले पर उनका क्या। सर, जो कल एक हत्या हुई है व्यवसायी की, उसमें सर क्या कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं? दो तारीख की रात्रि में जो घटना हुई थी व्यवसायी लड्डन की, और उसमें इनका शरीर बरामद हुआ था, जिसपे इनके सर पे गोली मारा गया था, एकदम काफ़ी नज़दीक से मारा गया था और लग रहा था किसी जानने पहचानने वाले के द्वारा ही किया गया है। उसमें नामजद FIR किया गया है उनके भाई के द्वारा। 4 लोगों पर नामजद FIR किया गया है, जिसमें से 3 व्यक्तियों को कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया है, कृष्ण मुरारी, दूसरा बबलू चौधरी और तीसरा नितिन राज श्रीवास्तव और मुंशी श्रीवास्तव। इसे अभी आगे पूछताछ की जाएगी और पता किया जाएगा कि और किन लोगों की संलिप्तता है। सर, हत्या के पीछे रीजन क्या है? हत्या के पीछे रीजन के लिए अभी पूछताछ किया जा रहा है और हम लोग इन लोगों को अर्ली मॉर्निंग ही लाए हैं। अभी प्रथम दृष्टि में लग रहा है कि कुछ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा संबंधी मामला हो सकता है। और लोग भी सर इस हत्या में? 3 लोग। हाँ, अभी मैंने बताया कि इसमें 4 लोग नामजद हैं। चौथा कौन है? चौथा एक है सैयद माज अर्फी, ये अभी नहीं गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा कुछ अज्ञात लोगों की भी इसमें संलिप्तता हो सकती है, वो सभी बिंदुओं पर हम लोग देख रहे हैं। इन्फॉर्मेंट का नाम सूचक क्या है?